लेकिन सर ऐसा है कि कश्मीर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत लोग जानते नहीं है। ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है सर, नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल हम लोग बोलते हैं इन टिपिकल फौजी लैंग्वेज। साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया जम्मू वाला एरिया, और जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है वो है कश्मीर वैली वाला एरिया। और कभी भी सर साउथ ऑफ पीर पंजाल को, वहां पे चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, इनको कभी तवज्जो दी ही नहीं गई, बिकॉज पेट्रियोटिक लोग हैं। और डोगरों के साथ यही प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कुछ भी मत दो सर, उनको कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत दो, उनको कोई फैसिलिटी मत दो। कल अगर कोई ये बोल देगा ना कि सर हिंदुस्तान खतरे में है, तो सारे डोगरा आ जाएंगे सर सर कटाने के लिए अपना, ये सारे के सारे, उनकी फितरत में यही है, हर एक घर में फौजी है सर, तो वो डोगरों का है ही है। डोगरों ने कभी कुछ मांगा नहीं, बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में 30-40 साल में? इनको इनको 2 महीने नहीं मिले कि कश्मीर के अंदर आके हम जरा इंडियन आर्मी से लड़ लें? छोटा सा क्लिप देखा, मेजर गौरव आर्य साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। हाल ही में कश्मीर में अमित शाह जी का एक दौरा हुआ, रैली हुई, और उसके साथ साथ आपने देखा कि एक किलिंग भी हुई। दोनों बातों पर बात हो रही है। मेजर साहब ने बताया किस तरीके से डोगरा राजपूत ने कश्मीर को एक कितनी बड़ी टेरिटरी बनाया था। आपको पता होगा डोगरा शासन बहुत लंबे समय तक चला था कश्मीर में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद के बाद, जो कश्मीर था पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो, उसको यूनाइटेड किया था पहले। ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक है करिएगा। पाकिस्तानियों ने कश्मीर का, तो वो भी उस पर भी ढक्कन लग चुका है। और आई थिंक होम मिनिस्टर साहब गए वहां पे, बहुत लोगों में जोश था और बहुत अच्छी था, और रिजर्वेशन जो उन्होंने अनाउंस करे जरूरी है सर। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो ये कुछ फैमिलीज हैं सर, मैं सारे कश्मीरी भाइयों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर कश्मीरीज, बट ये जो ये 2-3 परिवार हैं वहां पे जिन्होंने बहुत राज करा है कश्मीर पे, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या, सेंट्रल मिनिस्टर्स, और तो दुनिया भर के बने हैं ये लोग सर, दीज आर द पीपल ना हु हैव डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो बकरवाल हैं, जो गुज्जर हैं, वो भी वहां पे मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा है, जबकि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये तो उनको अपने बराबर का नहीं समझते, जो ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ अशराफिया है जो कश्मीर का, मुझे कहना चाहिए। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ करा वो तो आपको पता है, पर एक चीज जो भारत में लोग डिस्कस नहीं करते सर कभी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कश्मीर जो पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट हम लोग बोलते हैं, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, जो स्टेट है पूरा, ये किसने बनाया सर? ये बनाया किसने? ये डोगरों ने बनाया है सर, अपने बाजुओं की ताकत से। जो जम्वाल साम्राज्य था, जो हिजाइनस थे वहां पे, अब तो मतलब उनके जो वंशज हैं वो हैं, एक जमाने में जो डोगरा साम्राज्य था वहां पे, ये तो तिब्बत तक चले गए थे सर, पूरा लद्दाख वद्दाख इन्होंने फतेह करा है। जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है जनरल जोरावर, और जनरल जोरावर ने तो तिब्बत विब्बत सब खड़का दिया था सर। तो ये जो जिन लोगों का राज था, जिन लोगों का साम्राज्य था, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को एक शक्ल दी, एक सूरत दी, एक इज्जत दी, उन्हीं लोगों को सर मार्जिनलाइज कर दिया आज की तारीख में। और डोगरा बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है सर, शरीफ लोग हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं, और डोगरों के साथ यही प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कुछ भी मत दो सर, उनको कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत दो, उनको कोई फैसिलिटी मत दो। कल अगर कोई ये बोल देगा ना कि सर हिंदुस्तान खतरे में है, तो सारे डोगरा आ जाएंगे सर सर कटाने के लिए अपना, ये सारे के सारे, उनकी फितरत में यही है, हर एक घर में फौजी है सर, तो वो डोगरों का है ही है। डोगरों ने कभी कुछ मांगा नहीं, और ये जो परिवार हैं, इन लोगों ने इस मासूमियत का, इस भोलेपन का, जो डोगरा कम्युनिटी का भोलापन है सर, इसका बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने, तो इनके लिए, डोगराज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इस कम्युनिटी को, मैं इज्जत करता हूँ इनकी, और मैं जब भी कभी जम्मू जाता हूँ, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि सर डोगरों के लिए भी कुछ करा जाए, क्योंकि दे आर द पीपल हु मेड जे एंड के सर, ये जे एंड के इन लोगों ने बनाया है, ये तो डकैत हैं ये लोग, दीज पीपल आर डकैत्स, ये जो परिवार हैं जो श्रीनगर में बैठते हैं गुपकार में, जो असली कश्मीर तो डोगरों ने बनाया है सर। और आपने जिन लोगों ने कश्मीर बनाया, जो लोग लद्दाख तक क्या आगे तिब्बत तक चले गए, जिन्होंने सबको खड़का दिया, जिसने ऐसे सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे शेर पैदा करे, जिन्होंने जनरल जोरावर जैसे शेर पैदा करे,
आपने उस पूरी कम्युनिटी को आपने आइसोलेट कर दिया, आपने बोला नहीं तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब हम राज करेंगे, उनको इग्नोर कर दिया सर। तो ये ऐसे चोर छक्के बैठे हैं सर गुपकार में। तो जी भाई साहब, आपने कहा कि जो जेलर ऑफिसर की किलिंग हुई, शायद उसमें कोई टेररिज्म इन्वॉल्व ना हो, शायद ये एक साइको आदमी का काम हो, मगर चूंकि ये उस वक्त होता है जब अमित शाह दौरे में, और ये भी हम खबरों में पढ़ रहे थे कि शायद इलेक्शन का भी कोई ऐलान हो या उसकी कोई प्रेपरेशन की बात हो, तो क्या खबरें हैं? चूंकि अमित शाह का दौरा तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इन दिनों, जबकि गुज़िश्ता बहुत सारे महीनों से वहाँ पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं उनकी भी, सिखों की भी, और जो हमारे पंडित बहन भाई हैं उनकी तो बेचारों की हो ही रही है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन इन कश्मीर अमित शाह जी के दौरे के हवाले से? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए सर, ऐसा है ना कि ये जो पूरा मामला है ना सर, ये अभी वैली में जो चल रहा है, मुझे नहीं पता कि आदमी ल्यूनेटिक था या टेररिस्ट था। जो अभी तक वहां से खबरें आ रही हैं मीडिया में, मैं उनका हवाला देके बोल रहा हूँ, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि टेररिस्ट नहीं था ये जो जो भी इसका नाम यासिर लोहार या यूसुफ लोहार जो भी इसका नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, ये टेररिस्ट था कि नहीं था ये मुझे अभी तक नहीं पता है। पर मीडिया से अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ। सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस करा था कि हम स्टेटहुड देंगे जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात उन्होंने पार्लियामेंट पे वादा करा, ये होना है सर आज नहीं तो कल, क्योंकि उन्होंने पहले वादा जबान दे दी और वो जबान के पक्के आदमी, उन्होंने बोला है तो अमित शाह जी स्टेटहुड दे देंगे जम्मू और कश्मीर को। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे दिल में तो कोई शक नहीं है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज एक और है सर कि एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हुआ है कश्मीर में, अभी नेसेंट स्टेज पे, इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक्चुअली क्या था कि किसी को इजाजत नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। स्टार्टिंग में मेजर साहब ने जो एक बात बोली उस पर ही बात करते हैं कि कश्मीर को, जो कश्मीर बेसिकली जम्मू लद्दाख और लद्दाख का इलाका जो बेसिकली हमने तिब्बत से, एक्चुअली में ये इनकी जो कल्चर है वो तिब्बत से ही काफ़ी मिलता जुलता है। बट आपको इसी बात को लेकर आपको पता होगा चाइना नाटक करता है। चाइना क्यों नाटक करता है? क्योंकि चाइना बोलता है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा कश्मीर था। ऐसा तो आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कल्चर मतलब तिब्बत से मिलता है। तो भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जिनका कल्चर तिब्बत से मिलता है, ना कि भारत के कल्चर से मिलता है। बट ऐसा नहीं हो सकता, आप इतना हिस्ट्री में जाएंगे, इतना इतिहास में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें बहुत दूर तक जाएंगी। तो जो तिब्बत का इलाका है आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, बंदा बहादुर सिंह, जोरावर सिंह, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली डोगरा जो शासन थे उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी बढ़ाई। डोगरा राजपूतों के टाइम पे कश्मीर एक बहुत मतलब भारत का जो मतलब मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे सेकंड सबसे बड़ी टेरिटरी थी। अगर आप देखें, आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, विद्युत जामवाल जो बेसिकली डोगरा राजपूत ही हैं, कश्मीर से हैं, और जामवाल शब्द भी यूज़ किया मेजर साहब ने। तो कश्मीर को लेकर ये इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बेसिकली ये इस वजह से हो रही है कि कश्मीर में शायद कुछ दिनों में इलेक्शन होंगे, क्योंकि अमित शाह ने रैली चालू कर दी है, और रैली के चालू होने का मतलब यह है कि वहाँ कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो साउथ कश्मीर है वही डेंजरस एरिया है, जहाँ पर मतलब जिनकी सोच में पाकिस्तान के अलावा कुछ मिलता नहीं है, तो उनको कैसे सुधारना ये भी एक चैलेंजिंग रहेगा भारत के लिए। और अभी आपने देखा एक किलिंग हुई है एक बड़े पुलिस ऑफिसर की, उसको किसने मारा है? उसी के यहाँ काम करने वाले एक मुस्लिम ने मारा है। अब उसको भी बात को दबाया जा रहा है कि मुस्लिम पागल था, ये था वो था, बट आपको क्लियर पता है कि उसकी सोच कैसी है, और वो सब एक ही सोच के लोग हैं, जिस वजह से एक मतलब जिस पे इतना विश्वास किया उसी ने मार दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस टॉपिक पर, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी